एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अभी टाइम हो रहा है सुबह के कुछ 9 बजे का और आज दिन है संडे का। सबकी छुट्टी है। छुट्टी तो वैसे जो है कि पिछले 3-4 दिनों से बच्चे लोगों की दीपावली की छुट्टी थी और हस्बैंड की तो 1 हफ्ते की छुट्टी थी। बस आज लास्ट डे है छुट्टी का। कल से तो फिर ना सबका स्कूल, कॉलेज और जो है ऑफिस स्टार्ट हो जाएगा। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड, बच्चे लोग अभी ना सो ही रहे हैं। निखिल सोना, दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं। बहन मेरी चली गई है लाइब्रेरी और मैं और हस्बैंड हम लोग उठ गए हैं। तो उठी हूँ, उठने के बाद जो है कि मैं अपनी सुबह की दवाइयाँ पी हूँ, साथ में हस्बैंड जो है कि अपना चाय वो भी पी लिए हैं। और उसके बाद मैं क्या करूँ, नीचे का सारा ना साफ सफाई मैंने कर दिया है। फिर आ गई हूँ ऊपर और हस्बैंड से पूछा मैं कि चलेंगे ऊपर, तो चलते ये भी करें हाँ चलो चलते हैं ऊपर, आराम से जो है ना कि बैठेंगे यहीं पर। तो बस आ गए हैं। और क्या है ना गाइस, जब से ये तख्त बिछ गया, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है ना, तो यहाँ पर ना मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है सुबह शाम बैठने में। एकदम खुला खुला लगता है ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो फिर हस्बैंड भी कहें कि चलो मैं बैठूंगा वहीं पे, तो मैंने बोला ठीक है। तो बस ये देखिए आके बैठे हुए हैं, चाय वे पी लिए हैं। मेरी भी दवाई हो गई, चाय नहीं पिया मैंने। मैं कि अब पूरा साफ सफाई सारा सुबह का कर लूंगी ना, उसके बाद नहावा के तभी मैं अपना नाश्ता बनाऊंगी, नाश्ता करूंगी चाय के साथ में। तो इसी के लिए देखिए, पहले तो मैंने नीचे साफ सफाई सारा कर दिया है, रह गया है ऊपर का। तो बस ये देखिए पूरा अंदर से बाहर तक ना झाड़ू वगैरह मैं लगा लूंगी। और क्या है फ्रेंड्स, पत्तियां पूरी ना प्लांट्स की पता नहीं क्यों ना निकल रही है सारी। मुझे लग रहा है शायद मौसम चेंज हो रहा है उस वजह से, या नई पत्तियां आ रही हैं उस वजह से, पता नहीं चल रहा। पानी भी हम लोग दे रहे हैं, मतलब इतना ज़्यादा भी नहीं देती हूँ, नॉर्मली देती हूँ कि जितना ज़रूरत होती है, लेकिन फिर भी सारी पत्तियां ना निकल रही हैं कुछ कुछ जो है ना प्लांट्स के। तो यही है, अभी जो है कि देखते हैं नई पत्तियाँ निकलती हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखिए बढ़िया से पत्तियाँ भी मैंने ना गमलों में से निकाल के छांट के सब अच्छे से झाड़ू लगा दिया बढ़िया से। और बस अब लगाना है पोछा अंदर के रूम में, पूरा बढ़िया से पोछा लगा दूंगी। बाहर साफ ही है, अभी धुला ही था तो अभी धोऊंगी नहीं, बस थोड़ा सा जो पानी गिरा ना वही जो है कि मैं वाइपर से साफ कर दूंगी। और फ्रेंड्स, त्यौहार जैसे दीपावली ख़त्म हो गई ना, तो एकदम से जैसे ना सब कुछ सूना सूना सा लग रहा है। वैसे पिछले 1 हफ्ते से सभी के घरों में साफ सफाई एकदम इतना जोरों शोरों से चल रही थी एकदम से, लेकिन अभी लग रहा है ना सब कुछ एकदम शांत हो गया, पूरी गली शांत हो गई है। वैसे तो जो है अभी भी त्यौहार चल ही रहे हैं और आगे भी है, छठ पूजा भी है, लेकिन ना जो दीपावली बहुत बड़ा त्यौहार होता है ना, तो जो ये साफ सफाई त्यौहार की जो खुशी होती है ना, मतलब वो बहुत ही अलग ही होती है। तो अभी त्यौहार खत्म है, दिवाली खत्म हुई ना, तो एकदम सब कुछ एकदम लग रहा है ना शांत, काम वम भी बहुत कम हो गया ऐसा लग रहा है। नहीं तो ना कुछ दिनों से इतना ज़्यादा काम, पूरा सुबह से शाम तक हम सभी लोग अपने अपने घरों में जो है कि लगे ही रह रहे थे ना, मतलब साफ सफाई करना है, डेकोरेट करना है अपने घर को और बढ़िया से सब कुछ करना है ना, तो उसी में जो है कि हम लोग पूरा दिन का दिन मेरा तो लगा ही रह रहा था। 2-3 दिन से मैं ना बहुत ही ज़्यादा बिजी थी और एकदम बहुत ज़्यादा थक भी जा रही थी एकदम से, ऐसा हो रहा था। लेकिन आज जो है कि एकदम से शांति है, एकदम लग रहा है त्यौहार खत्म हो गया, तो थोड़ा सा वो एकदम से ना रिलैक्स वाला मूड होता है ना, वैसा हो गया है। तो बस यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सफाई मैंने कर दिया है और ये रह गए थे कपड़े दिवाली के, और कुछ आगे पीछे के भी कपड़े थे, टाइम नहीं मिल रहा था तो मशीन जो है ना कि कल ही लग गई थी, धुल गए थे, सूख गए हैं, तो मैं कह लाओ इनको भी जो है ना कि कपड़ों को फोल्ड करके लगे हाथ में रख देती हूँ, क्योंकि ये भी ना बड़ा टेंशन रहती है कपड़ों का। कपड़े अगर धो ना तो भी फोल्ड करने के लिए तो रखा ही रहता है, क्योंकि हर 2 दिन पर कपड़े धुलना ही धुलना होता है, और बाकी रोज़ का भी कुछ छोटे बड़े कपड़े होते हैं, नहाना धोना होता तो वो रोज़ का भी धुल जाता है, तो बहुत कपड़े हो जाते हैं। तो मैं कही कि सारा मतलब साफ सफाई हो गई थी, तो मैं कही लाओ अभी बैठे बैठे जो है ना कि मैं अभी ये कपड़े भी फोल्ड कर लेती हूँ, इनको भी रख देती हूँ, क्योंकि अभी जो है ना चाय और नाश्ते का किसी को लेट नहीं हो रहा, बच्चे दोनों सो रहे हैं, उठेंगे वो अपने टाइम पे ही उठते हैं, जब उनको नाश्ता पानी करना होगा तभी करेंगे, वैसे वो उठेंगे नहीं। तो मैं कही कि क्या ही करूँगी, अभी नाश्ता बना के पहले सारा काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह मैं बनाऊँगी। और अभी देखिए फ्रेंड, कपड़े मेरे फोल्ड हो गए हैं, तो ये बच्चों के कपड़े हैं तो अंदर रख दूंगी रूम में, बाकी सारे कपड़े हैं ना तो ये जो है कि मैं ले चलूंगी नीचे और नीचे रख दूंगी। और यहाँ पे हस्बैंड से मैं पूछ रही थी, मतलब एक दो बार बोली इनको चलेंगे नीचे, मैं नीचे जा रही हूँ, क्योंकि अब मेरा ऊपर का सारा काम खत्म हो गया, नीचे का ही सारा काम रह गया है। तो फिर इनसे पूछी तो कह रहे हैं ठीक है चलो। तो फिर क्या हुआ ना, थोड़े से कपड़े मैं इनको बोली कि लेते चलिए और बाकी मैं लेकर आ रही हूँ, क्योंकि मेरा ट्राईपोर्ट भी लेकर आना था, और साथ में ये बोले ना कि सोना को जगा दो, मतलब उसको
ना कई बार जगाना पड़ता है तब वो उठती, नहीं तो जल्दी उठती नहीं है। तो फिर मैंने बोला ठीक है तो ऐसा करिए, ये भी कपड़े लेते चले, तो यही हंस रहे थे, कह रहे थे इसीलिए मुझे बोल रहे थे कि चलो नीचे चलो, मैं कही कि नहीं बस, मैं बोले आप जा रहे हो तो लेते चलिए, बाकी मैं अपना ट्राईपोर्ट लेकर आऊँगी, साथ में सोना को जगा के जो है कि आऊँगी फिर, तो इसीलिए तो वही हंस रहे थे वो। तो लेकर आ गए थे कपड़े, कपड़े वगैरह सब रख दिया फ्रेंड्स। उसके बाद जो है ना कि मैं देखिए तो नीचे आई हूँ ना, नहा ली हूँ, नहाने होने के बाद अपना मतलब ये देखिए तो नाश्ता बनाने लगी हूँ। और नाश्ता ना मतलब पूछा हस्बैंड से मैंने कि क्या बनाऊँ नाश्ते में, तो कह रहे रहने दो, ऐसा करो नाश्ता वास्ता मत बनाओ, फ्रूट्स पड़े हैं वही खा लेंगे, और चाय वो तो पी लिए हैं, और क्या है कि बच्चे भी लेट ही उठेंगे तो पता नाश्ता करेंगे कि नहीं, इन लोगों का यही रहता है ना छुट्टी के दिन। तो मैं कही कि चलिए आप लोगों का तो ठीक है, लेकिन मेरा रहता है ना कि सुबह के फ्रेंड्स मुझे दवाई खाना होता है, खाना खाने के बाद कुछ खाना रहता है ना, तो इसीलिए जो है कि कुछ खा के ही दवाई खाती हूँ। तो इसीलिए मैं कही कि चलो मैं नाश्ता थोड़ा सा बना लेती, ज़्यादा बढ़िया जल्दी झटपट हो जाए, टेस्टी और हेल्दी हो। तो मुझे पोहा बहुत पसंद है, तो मैं कही चलो मैं ना पोहा ही बना लेती हूँ। तो बस यहाँ पे देखिए फटाफट से मैं कही चलो पोहा बना लेती हूँ, और साथ में जो है ना कि एक तरफ चाय बना लूँगी थोड़ा सा अपने लिए, बाकी बच्चे उठेंगे तो वो बाद में बन जाएगी अगर उन लोगों को पीना होगा तो। और देखिए मेरा मतलब सब कुछ भून लिया था, ज़्यादा कुछ डाला नहीं, मूंगफली ही डाला है राई वही का तड़का दे के, और मूंगफली को मैंने ना फ्राई करके नहीं निकाला था, ऐसे ही भून लिया था, क्योंकि मूंगफली को भून के फ्राई करके निकालो ना थोड़ा ज़्यादा ऑयली ऑयली सा मुझे लगता है। तो मैं क्या करूँ ना ऐसे ही भून ली हूँ प्याज व्याज के साथ में, उसके बाद यही हल्दी नमक सब कुछ डाल दिया है। उसके बाद देखिए तो पोहा अपना मैं डाल दी हूँ, बस मिक्स करके थोड़ा सा ढक दूँगी आधे एक मिनट के लिए, तो पोहा बन के रेडी हो जाएगा हमारा। चलिए फ्रेंड्स चाय और पोहा हमारा रेडी हो गया, बस नाश्ता निकाल रही हूँ अपने लिए, और बस चलिए नाश्ता करती हूँ आराम से बैठ के, उसके बाद आगे का फिर काम जो है कि मैं अपना स्टार्ट करूँगी करना जो भी मुझे करना होगा। और अभी देखिए फ्रेंड तो टाइम हो रहा है करीब 2 बजे का टाइम हो रहा है, और आप देख रहे हैं तो मैं इतना सज धज के कहाँ जा रही हूँ, कहाँ जाने की तैयारी है ना। तो क्या है ना फ्रेंड्स कि आज ना हस्बैंड ने ना सही बताओ तो एकदम दिल खुश कर दिया। तो वो रात में ही ना बोल रहे थे ना, मतलब क्योंकि इनकी 1 हफ्ते की छुट्टी पड़ी थी, तो फिर कह रहे थे ना कि कहीं लेकर नहीं गया तुम्हें घुमाने के लिए, कल एकदम से रात में बोले कि ऐसा करो ना चलते हैं कल कहीं घूम कर आते हैं, मतलब ऐसे ही बोले। तो फिर एकदम से नहीं तो उनको मैं बोलती रहती हूँ कि चलिए कहीं घूम के आते हैं, लेकिन वो एकदम कहें कि नहीं चलो कहीं ना घूम कर आते हैं। तो फिर मैंने भी बोल दिया कि ठीक है चलिए चलते हैं। तो फिर जो है कि उसी के लिए फ्रेंड्स सारा काम हम निपटाया, लंच वंच अपना मैंने वही बनाया, फिर जो है कि और फिर तैयार वैर हो के देखिए तो हम लोग निकल पड़े हैं घूमने के लिए। तो बच्चे लोगों से पूछा लेकिन ये लोग ना मना कर दिए, क्योंकि निखिल एक दिन पहले ही गया था अपना घूम उम के आया था, सुना करे थे नहीं मम्मी आप लोग जाओ मैं नहीं जाऊँगी। तो फिर वो जो है कि हम लोग फिर उसके बाद जो कि हस्बैंड कहा चलो हम ही लोग घूम कर आते हैं। तो फ्रेंड्स बस यहाँ देखिए निकल गए हैं, और क्या हुआ ना स्कूटी से हम लोग आए हैं मेट्रो स्टेशन तक, मेट्रो स्टेशन पे स्कूटी जो पार्किंग में लगा दी है, फिर उसके बाद देखिए तो हम मेट्रो से जा रहे हैं, क्योंकि हम जहाँ जा रहे हैं ना घूमने तो वो बहुत ज़्यादा दूर है, और कहाँ जा रहे हैं तो आगे आपको मैं दिखाती हूँ और बताती भी हूँ। तो इसीलिए और क्या आता ना कि रात का टाइम रहेगा ना वापस आते हुए तो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है। तो ये वक्त स्कूटी हम लोग पार्किंग में लगा देंगे ना, तो मेट्रो से निकल के आराम से जो है कि हम लोग फिर स्कूटी से अपने घर चले जाएंगे। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड तो बस बैठ गए हैं मेट्रो में, और बड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा था इस तरह से ना बहुत दिनों बाद, मतलब ना मैं हस्बैंड के साथ मतलब सिर्फ घूमने के लिए निकले हम लोग कि चलो घूमने चलते हैं। इस हम लोग आ गए जहाँ हमें घूमने आना है। तो कहाँ पर हम लोग आए हैं फ्रेंड्स ना, तो बस मेरा बड़ा दिन से मन था ना, बड़ा दिन से मन था मेरा ना कि कमल मंदिर जाने के लिए, तो बस यहीं पे आए हुए हैं हम लोग हैं। तो ये देखिए इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी थी फ्रेंड्स ना, इतना ज़्यादा भीड़, और मुझे फ्रेंड्स ना पता नहीं था कि कमल मंदिर और कालिका जी मंदिर एक ही साथ में ही है, पास में ही हैं दोनों। तो एक देखिए ये जो लाइन लगी हुई है ना, तो ये कालिका जी मंदिर के अंदर जाने के लिए लाइन लगी हुई है, और इधर जो हम लोग लाइन लगाए तो कमल मंदिर जाने के लिए, लेकिन मुझे कमल मंदिर ही जाना था। हस्बैंड से मैंने बोला मुझे पता नहीं था इतना पास में है, तो कह रहे थे कोई बात नहीं अगली बार आएंगे ना तो हम फिर जाएंगे कालिका जी मंदिर चल लेंगे।
मैंने बोला ठीक है। और बस यहाँ पे देखिए लाइन में लगे हुए हैं, धीरे धीरे लाइन बढ़ रही है और इतनी ज़्यादा लंबी लाइन लगी है फ्रेंड्स ना, मतलब हम लोग जहाँ पे जा रहे हैं वहाँ तो कम लाइन है, मतलब फिर भी लग गया था हमें 15-20 मिनट लग गया यहाँ पे लाइन में है। लेकिन जो कालिका जी की लाइन लगी हुई थी ना अंदर जाने के लिए, तो वो करीब मुझे लग रहा है कि वो घंटे भर से लोग खड़े होंगे, इतनी लंबी लाइन, करीबन बहुत आधा किलोमीटर तक तो लाइन ही लगी हुई थी। और अंदर जाके भी बहुत ज़्यादा दूर तक जाना पड़ता है। तो बस यहाँ पे देखिए एंट्री के यहाँ पे हम लोग आ गए हैं कमल मंदिर के यहाँ पे, तो बस यहाँ पे एंट्री करते हैं अंदर और बस लेकर चलते हैं, आप लोगों को भी दिखाते हैं यहाँ का। तो यहाँ पे फ्रेंड देखिए, तो कमल मंदिर के अंदर आते ही ना, मतलब कमल मंदिर बीच में है और पूरा राउंड में ना पूरा बड़ा सा ना पार्क है कुछ इस तरह का, मतलब जाने के लिए रास्ता बना हुआ और किनारे किनारे पे ना पार्क टाइप का बना हुआ है। और ये जो मंदिर है फ्रेंड्स ना, तो सिर्फ कमल का जो डिजाइन होता है ना कमल के पंखुड़ियों का, तो वही डिजाइन बना हुआ है। और जो है ना कि कोई मंदिर, कोई जैसे भगवान जी की मूर्ति वगैरह ना वो नहीं रखी हुई है, तो इसी वजह से ना यहाँ पे सभी धर्म के लोग आते हैं, सिर्फ घूमने के पर्पज से सभी लोग आते हैं और घूमने और देखने के लिए आते हैं, क्योंकि बहुत खूबसूरत है ये प्लेस देखने के लिए, तो इसीलिए लोग आते हैं। बाकी यहाँ पे कोई पूजा वगैरह नहीं होती है। तो बस यहाँ पे देखिए कुछ इस तरह का ना दोनों साइड से जो है कि पार्क है। और फ्रेंड्स ये देखिए एकदम सामने देखिए दिख रहा है ना, तो ये पूरा बीच में जो है ना कि कमल बने हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही बड़ा सा बना हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और क्या फ्रेंड्स, पहले हम लोग आते थे ना, बहुत पहले मैं आई थी ना, तो इसके अंदर हम लोग गए थे बैठने के लिए, बहुत बड़ा सा हॉल टाइप का है, आराम से जाके इसके अंदर बैठ सकते हैं, हम घूम सकते हैं। और ये जो पार्क है ना, तो पार्क में भी हम घूम सकते हैं, लेकिन अभी इस बार क्या हुआ, अभी हम लोग गए हैं ना तो एकदम पूरा ना बंद कर रखे हैं, एकदम अंदर नहीं जाना, सिर्फ ये जो मंदिर है ना इसी की मतलब एंट्री करके और गोल गोल घूमते घूमते हम एग्जिट की तरफ निकल जाएंगे, बाहर निकल जाना है, लेकिन अंदर नहीं जाने दे रहे थे, बिल्कुल बंद है इस समय। तो शायद पता नहीं, मुझे लग रहा शायद भीड़ इतनी ज़्यादा, इतना क्राउड, इतना लोग इतने थे ना कि शायद उस वजह से शायद अंदर जाने के लिए मना कर रखे हैं कि क्या, नहीं तो अंदर जा सकते थे, बहुत ही अच्छा है, पार्क में भी हम बैठ सकते थे। लेकिन पार्क वगैरह में भी ना सब देखे तो रस्सी से ना इस तरह से बांध रखे कि सिर्फ रास्ता ही है आने जाने के लिए, इस तरह से है। और ये देखिए फ्रेंड्स भीड़ देख रहे हैं कुछ, ये देखिए इतनी लंबी लाइन, इतने लोग दिख रहे थे कि मतलब फोटो लेना वीडियो बनाना भी बड़ी मुश्किल हो रहा था। और यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जितनी भीड़ आगे दिख रही इतने लोगों की, उतना ही देखिए तो पीछे लाइन से लोग आए जा रहे हैं और जाए जा रहे हैं इस तरह का। लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था, बहुत दिनों के बाद हस्बैंड के साथ यहाँ पे आई घूमने के लिए ना, तो बहुत ज़्यादा मतलब ना अच्छा लग रहा था। तो बस यहाँ पे देखिए आ गए, पास से मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को कुछ इस तरह का बना हुआ, बहुत ही खूबसूरत है ये बना हुआ ये। और अभी देखिए फ्रेंड, तो कमल मंदिर में हम लोगों का घूमना हो गया, उसके बाद देखिए तो बाहर आ गए हैं। और बाहर आए ना तो इस तरह से ना लाइन से जो है ना कि पूरा इस तरह से खाने पीने के सामान सब मिल रही थी, ज़्यादातर ना फास्ट फूड ही मिल रहे थे, यही छोले भटूरे और मोमोज चाउमीन यही मिल रहा था। तो फिर होता ना कहीं घूमने जाओ ना तो इस तरह चुटुर पुटुर मन करता है खाने के लिए ना, तो फिर हस्बैंड कह रहे हैं कुछ खाओगे, तो चलो कुछ खा लेते हैं। तो फिर मैंने बोला ठीक है, और बहुत दिन हो गया था फ्रेंड्स मुझे ना छोले भटूरे खाए हुए, तो मैं कि चलो यही लेकर आ जाइए खाते हैं। तो बस एक प्लेट लेकर आए हस्बैंड कि थोड़ा सा खा लेते हैं, बाकी कुछ आगे चल के आगे और कुछ खा लेंगे। यहाँ पे देखिए, तो खाने के बाद हम लोग निकल रहे हैं जाने के लिए ना, तो ये देखिए कालिका मंदिर का ये मेन गेट यहाँ पे है, लेकिन ना एंट्री दूसरी तरफ से होती है, गेट यहीं पे सामने ही दिख जाता है, मेट्रो से उतरते ही ना ये कालिका जी मेट्रो स्टेशन ही पड़ता है यहाँ का, तो यहीं पे आप आराम से आ सकते हैं, अगर जिसको आना है ना तो यहाँ पे आ सकते हैं। कालिका जी कमल मंदिर दोनों जगह पर यहाँ पर आकर ना घूम सकते हैं। और यहाँ पे देखे तो इस तरह से जो है ना पटरी मार्केट ना लगती है किनारे किनारे पे, तो यहाँ पे पूजा के सामान और साथ में खाने पीने के सामान और बच्चों के लिए खिलौने वगैरह बहुत कुछ ना इस तरह से मतलब ना देखने को, घूमने के लिए और खरीदने के लिए मिल जाएगा। तो बहुत ही ज़्यादा ना अच्छा लगता है इस तरह से घूमने में, और पैदल इस तरह से देखते हुए घूमते हुए जाओ ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो बस फ्रेंड्स यही घूमते घामते हम लोग भी अब निकलेंगे घर के लिए, और आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा फैमिली फ्रेंड्स के साथ। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।